ओम शांति। आप सबको स्वागत है। अब हम कर रहे हैं रिकॉर्डिंग 2 सितंबर। तो 2 सितंबर के ईश्वर वरदान की, जहाँ परमात्मा पिता चाहते कि हम सारी दुनिया की सेवा करें। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई हम अपनी तो पहले कर लें सेवा। बात सही है, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो उससे पहले अपनी खुद की सेवा करें। लेकिन ये सेवा बात फिजिकल या फाइनेंशियल की सब नहीं हो रही है। ये बात हो रही है, आज इंसान को फिजिकल एंड फाइनेंशियल से ज़्यादा उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसको ताकत चाहिए। संकल्पों में ताकत, विल पावर नहीं रह चुकी आज इंसान के अंदर। आज हर एक आत्मा विल पावर की कमी से बैटरी डाउन है, अपना आत्मा विश्वास की वजह से कमी से बैटरी डाउन है, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो कि जिसमें वो जूझी हुई आत्मा, चाहे वो धन का मामला हो, तन का मामला हो, संबंधों की प्रॉब्लम्स हो, कोई भी चीज़ हो, परमात्मा कहते हैं कि ये सारी चीज़ों की सेवा करना ही सच्चा सच्चा सोशल वर्कर बनना है। क्या आप जानते हैं सोशल वर्कर है क्या, इसको आज हम समझेंगे। परमात्मा कहते हैं आज के ईश्वर वरदान में, रूहानी सोशल वर्कर। रूहानी मतलब आत्मा की सोशल वर्क करना। जिस्मानी तो है बहुत सारे दुनिया में, करोड़ों अरबों खरबों बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो डोनेट करते हैं, वो तो शरीर का आप ख्याल रखते हैं, लेकिन आत्मा के जो मन डिप्रेशन जो स्ट्रेस है, आज धन होते हुए भी उसको कौन ठीक करेगा। परमात्मा कहते हैं वो चिंताएं मिटाना रूहानी सोशल वर्कर का काम है। तो रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी बाबा। जब परिस्थिति आ जाती है ना, प्रॉब्लम जब आ जाती है ना, तो उस समय धन भी समझ नहीं आता, धन भी काम नहीं लगता। उस समय मनोस्थिति जब ठीक होती है, तब जा करके आप हर चीज़ को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये तो धन भी गलत जगह लग जाता है, गलत इंसान मिल जाते हैं, गलत लोगों के साथ में रिश्ते हो जाते हैं, और फिर जो धन था क्योंकि अशांत मन है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जिसके कारण की शक्ति नहीं होती कि निर्णय क्या किया जाए, क्या करें क्या ना करें। अगर घबरा करके निर्णय लिया, परेशान होकर के निर्णय लिया, क्रोध में आकर के निर्णय लिया, हवड़ तबड़ में निर्णय लिया, जिसको की कहते हैं घबरा करके निर्णय लेना, तो सारा धन भी जाता है, धन भी रिश्ते भी सब खत्म हो जाते हैं। परमात्मा से कहते हैं अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अभी हलचल हो, चाहे तूफान हो, चाहे आपके अर्थक्वेक्स हो, चाहे आपके फाइनेंशियल इश्यूज हो, इंस्टीट्यूशन हो गिर रहे हों, चाहे आपकी गवर्नमेंट्स ठीक से काम ना कर पा रही हो, फेल हो रही हो, चाहे आपके 5 तत्व प्रकृति जो उसकी हालत है, आज वेदर की हालत है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं ग्रीनरी खत्म हो रही है यूरोप में 500 साल के बाद में, बहुत सारी कंट्रीज में सूखा पड़ रहा है, ये सारी परिस्थितियाँ आ रही हैं। और परमात्मा चाहते हैं कि हम यहाँ बैठे बैठे तो कुछ कर नहीं सकते हैं, फिजिकली धन से नहीं इतना कर पाएंगे ना, लेकिन मन से, शक्तियों से, 5 तत्वों को भी हम चेंज, आत्माओं को भी हम चेंज कर सकते हैं, आत्माओं के मनोबल को बढ़ा सकते हैं मेडिटेशन की पावर से। ये पॉसिबल है, साइंस भी प्रूव कर रहा है आज, आप खुद रिसर्च कर लीजिएगा। फिर परमात्मा कहते हैं अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा समय शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन, लाइट हाउस वही होता है जो कि एक जहाज को बताता है कि कहाँ दिशा में जाना है, कौन सी दिशा में जाना है, नहीं तो फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, ग्राउंडिंग हो सकती है जहाज की। तो लोग आज भी क्या हैं, डिप्रेशन से ग्राउंडेड है, स्ट्रेस से ग्राउंडेड हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि उनका डिप्रेशन और स्ट्रेस, जो कि हम बोल करके शायद से पहुँच भी ना पाए उधर तक, वो कौन है, किस कंट्री में है, कौन से देश में बैठे हैं, पता भी ना चले, लेकिन हम वाइब्रेशंस के द्वारा मेडिटेशन में उन तक पहुँच सकते हैं। उनको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से अच्छी फीलिंग आ रही है, कैसे इतनी ताकत आ रही है, कैसे मेरे को सोल्यूशन मिल गया, मेरे को इस चीज़ का प्रॉब्लम का कभी सोचा नहीं था, अभी कहाँ से ताकत आई, मुझे अचानक से इसका सोल्यूशन मिल गया, ये चीज़ पॉसिबल है। तो परमात्मा कहते हैं लाइट हाउस बन, सर को शांति की लाइट देनी है, यह फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्मा को रूहानी राहत मिले। रूहानी राहत जिस्मानी राहत से भी नहीं हो पा रहा है, धन से भी नहीं हो पा रहा है, खान पान भी देने से नहीं हो पा रहा है बहुत लोगों को। जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। तो दुख की अग्नि जला रही है कई देशों को, कई मोहल्लों को,
कई प्रांतों को, कई धर्मों में अग्नि लगी हुई है, आपस में ही अग्नि है, आपस में ही झगड़े हैं, आपस में ही अशांति है, घर घर में अशांति हुई हुई है आज दुनिया में। तो सबको शीतल करना है, और शैतान तो मजे ले रहा है। शैतान को अगर शीतल करना है तो हमें परमात्मा के साथ मिलकर के, हमें वो शक्तियाँ, वो पवित्रता की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, समदृष्टि की शक्ति को इस्तेमाल करके, लोगों के घर घर तक पहुँच करके, संकल्पों के द्वारा, ये साइंस प्रूव कर रही है कि आप हजारों हजारों किलोमीटर तक अपने थॉट्स को भेज सकते हैं और किसी को आप हील कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपकी फीलिंग्स उस आत्मा के प्रति न्यूट्रल हों। और अगर न्यूट्रल नहीं है, नेगेटिव है, तो नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव प्योर हो तो और भी अच्छा। ये कला हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारी, इसमें आप भी हील कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं आत्मा को। पर क्यों करें, हमें फायदा क्या? परमात्मा की नज़र में तो ऊपर आ जाओगे ना, भगवान की नज़र में जो ऊंचा हो गया वो सबकी नज़र में ऊंचा हो गया। इसके साथ ओम शांति।